नमस्कार, मैं शिविंद्र और लाइव लगातार में आप सभी का बहुत स्वागत है और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। भारत ने आज ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड हासिल करके भारत के ओलंपिक के इतिहास को आज सुनहरा कर दिया है। हम आपको बता दें कि 121 सालों के बाद आज ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले में भारत को ओलंपिक में गोल्ड मिला है। ये एक बहुत बड़ी चीज है भारत के लिए। भारत ने आज जो हासिल किया है, नीरज चोपड़ा जो हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं और उन्होंने आज वो चीज कर दिखाई जिसकी उम्मीद टोक्यो ओलंपिक में भारत को लंबे समय से थी। गोल्ड के लिए लोग आस बांध रहे थे लेकिन ये उम्मीद टूट रही थी, जिससे आज नीरज चोपड़ा ने पूरा कर दिया। नीरज चोपड़ा ने 121 सालों के सूखे को मिटा दिया है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 2008 के बाद अभिनव बिंद्रा के बाद आज नीरज को गोल्ड मिला, लेकिन अगर बात करें ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले की तो ये जो अंतर है ये 121 सालों का है। 121 सालों के बाद भारत को ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले में आज गोल्ड मिला है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया है आज के इस मुकाबले में। जैवलिन थ्रो में जिसमें उन्होंने गोल्ड हासिल किया, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 87.58 मीटर का रहा और कोई भी उनके करीब नहीं आ पाया। और नीरज ने पूरे पहले अटेम्प्ट से ही, इस पूरे खेल में 6 अटेम्प्ट दिए गए थे सभी खिलाड़ियों को, और पहले अटेम्प्ट से ही उन्होंने जो है ये सर्वश्रेष्ठ जो है उसे स्थापित कर दिया था, अपना सर्वश्रेष्ठ उन्होंने दिया था और उस सर्वश्रेष्ठ को कोई भी अन्य खिलाड़ी किसी देश का तोड़ नहीं पाया और तमाम देशों के खिलाड़ी आसपास नहीं पहुंच पाए और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल कर लिया है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक जीतने का कारनामा शूटर अभिनव बिंद्रा ने किया था, वो व्यक्तिगत स्पर्धा थी और उसके बाद आज 12 सालों के बाद गोल्ड मिला है। लेकिन अगर बात करें ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले की तो ये अंतर काफी बड़ा रहा। 121 सालों के बाद भारत को ओलंपिक में गोल्ड मिला है ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले में और ये गोल्ड लाने वाले हैं नीरज चोपड़ा। जैवलिन थ्रो में उन्होंने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए देश विदेश के सभी खिलाड़ियों को पछाड़ा और अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए उनका सर्वश्रेष्ठ जो रहा 87.58 मीटर का जैवलिन थ्रो में वो सर्वश्रेष्ठ उन्होंने स्थापित किया पहले अटेम्प्ट से लेकर 6 अटेम्प्ट तक। हालांकि बीच में उनके 2 अटेम्प्ट इनवैलिड भी हुए लेकिन तभी कोई खिलाड़ी उनके आसपास नहीं पहुंच पाए। 4थे और 5वें अटेम्प्ट के दौरान उनका अटेम्प्ट जो था वो इनवैलिड करार दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पहले अटेम्प्ट में जो अपना सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया था 87.58 मीटर का उसे कोई भी खिलाड़ी तोड़ नहीं पाया और नीरज चोपड़ा ने भारत के सपने को पूरा कर दिया और आज ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक में भारत को गोल्ड मिला है और व्यक्तिगत स्पर्धा के 12 सालों के अंतर को उन्होंने मिटाया। और अगर ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले की बात करें तो ये अंतर काफी बड़ा रहा, 121 सालों का अंतर है। 121 सालों के बाद किसी खिलाड़ी ने ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले में गोल्ड हासिल किया है जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री है उस राज्य के, ये सभी लोग नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहे हैं। उनके घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी है और आतिशबाजी हो रही है, बधाई देने वालों का तांता लगा है और जो फैंस हैं, स्पोर्ट्स फैंस हैं, जो लोग ओलंपिक देख रहे थे और तमाम जो नहीं देख रहे थे वो भी देश प्रेमी जो है उन सबके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ जाई, क्योंकि लोग हॉकी से ये आस लगाए बैठे थे और अन्य कई खेलों में लोगों को उम्मीद थी कि गोल्ड हासिल होगा। लेकिन नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में आज वो कमाल कर दिखाया और भारत को गोल्ड मिल गया है। और आज टोक्यो ओलंपिक का ये 16वां दिन था, टोक्यो ओलंपिक के 16वें दिन पर आज भारत को गोल्ड मिला है और इस मेडल को अगर आज हम जोड़ लेते हैं तो 7 मेडल भारत को मिल गए हैं कुल मिलाकर इस ओलंपिक में। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड हासिल किया है आज। हम आपको एक बार फिर बता दें उन सभी दर्शकों को जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ, भारत ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड हासिल कर लिया है और नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में ये गोल्ड हासिल किया है। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया 87.58 मीटर, भाला फेंक में उन्होंने 87.58 मीटर का प्रदर्शन किया जो उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और इस प्रदर्शन के आसपास कोई अन्य विदेशी खिलाड़ी पहुंच नहीं पाया और इस पूरे खेल में सभी खिलाड़ियों को 6 अटेम्प्ट दिए गए थे और इस 4थे और 5वें अटेम्प्ट में नीरज चोपड़ा जो है उनका अटेम्प्ट जो था इनवैलिड भी करा दिया गया, लेकिन बावजूद इसके नीरज सर्वश्रेष्ठ बने रहे, पहले स्थान पर अपनी पहली रैंकिंग जो थी उनकी उसको उन्होंने बरकरार रखा और गोल्ड हासिल कर लिया है। और टोक्यो ओलंपिक से ये भारत के लिए आज की सबसे बड़ी खबर है कि भारत को गोल्ड मिल गया है। 121 सालों का सूखा आज मिटा है ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले में। 121 साल के बाद भारत ने गोल्ड हासिल किया है और इस मेडल के साथ भारत ने टोक्यो ओलंपिक में अपने मेडल की संख्या 7 कर ली है इस पूरे
अब तक के खेल में भारत को 7 मेडल मिल चुका है। नीरज चोपड़ा ने जो इतिहास रचा है, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं और वो गोल्ड जीतने वाले इस ओलंपिक के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस बार गोल्ड हासिल किया है इस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। 87.58 मीटर के थ्रो से ज्यादा कोई भी एथलीट फेंक नहीं पाया, ये नीरज का जो रिकॉर्ड रहा आज उनके पहले अटेम्प्ट से ही 87.58 मीटर का, और उसके बाद कोई भी खिलाड़ी उससे ज्यादा जो है भाला फेंक नहीं पाया। भाला फेंक के मुकाबले में नीरज ने गोल्ड हासिल कर लिया है और उनका चौथा प्रयास फाउल रहा था और फाउल रहने के बावजूद भी अन्य खिलाड़ी उन तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि चेक रिपब्लिक ने उनसे 1 मीटर कम की दूरी पे वो थे, लेकिन फिर भी एक समय पर काफी करीबी मामला हो गया था, लेकिन नीरज ने जो है अपना प्रदर्शन बरकरार रखा और सर्वश्रेष्ठ बने रहे और भारत की झोली में गोल्ड डाल दिया और भारत के ओलंपिक का इतिहास आज सुनहरा हो गया। और हम आपको बता दें कि सरकार ने ऐलान किया है कि नीरज चोपड़ा को 6 करोड़ रुपए जो है पुरस्कृत किया जाएगा, उन्हें 6 करोड़ रुपए देकर और एक नौकरी उनको दी जाएगी। ये इस वक्त का हरियाणा सरकार ने ये बड़ा ऐलान किया है, 6 करोड़ रुपए का पुरस्कार नीरज चोपड़ा को दिया जाना है और एक नौकरी भी दी जानी है। ए ग्रेड की नौकरी मिलेगी नीरज चोपड़ा को, ये मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने ऐलान किया है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से लेकर तमाम नेता मंत्री जो है वो बधाई दे रहे हैं और नीरज चोपड़ा के घर के बाहर इस वक्त आतिशबाजी हो रही है और नीरज नीरज की जो गूंज है वो पूरे देश में सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया जो है वो नीरज के नाम से पूरा पटा पड़ा है, हर जगह नीरज दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम फैंस जो है वो ट्वीट कर बधाई दे रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि लोग जो है ये शुरुआत से ही ओलंपिक के एक आस लगाए हुए थे और कई मुकाबलों में गोल्ड की आस बंधी, लेकिन वो उम्मीद जो है वो एंड मौके पर टूट जा रही थी, लेकिन नीरज चोपड़ा ने आज भारत की झोली में गोल्ड डाल दिया और नीरज ने टोक्यो में आज इतिहास लिख दिया है। और ये इतिहास इसलिए है, हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान है कि नीरज ने आज इतिहास रच दिया टोक्यो में, और वाकई इतिहास है ये। हम आपको बता दें कि 121 साल के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड मुकाबले में गोल्ड हासिल किया है। ये 125 साल के मुकाबले को उन्होंने अंतर को माफ कीजिएगा उस अंतर को उन्होंने आज मिटा दिया है, उस खाई को उन्होंने आज पार दिया और भारत के पास वो गोल्ड लेकर आए हैं, भारत की झोली में उन्होंने गोल्ड डाल दिया है। टोक्यो ओलंपिक में वो पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीतने का जो है ये मौका मिला है, स्वर्ण हासिल किया है, ये तबका आज उन्हें ये प्राप्त हो गया कि भारत की ओर से किसी खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा पानीपत के रहने वाले हैं और उन्होंने जैवलिन थ्रो में ये इतिहास रचा है, 87.58 मीटर का उन्होंने अपना फेंका था भाला फेंक में उन्होंने जिसका, और उसके बाद कोई भी विदेशी खिलाड़ी उनसे ज्यादा अपना भाला आगे नहीं फेंक पाया और नीरज चोपड़ा जो है वो विजय हुए, स्वर्ण पदक लेकर आए और आज पूरे भारत में खुशी का माहौल है और ये खुशी के माहौल में आज प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, मनोहर लाल खट्टर, तमाम नेता, फैंस और देश का हर नागरिक आज खुश है, गोल्ड मिला है भारत को और व्यक्तिगत स्पर्धा में ये गोल्ड 12 सालों के बाद मिला है। 2018 में अभिनव बिंद्रा ने ये गोल्ड हासिल किया था और आज व्यक्तिगत स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने यह हासिल किया है। तो कई चीजें हैं, कई रिकॉर्ड्स हैं जो आज टूटे हैं और एक इतिहास जो है भारत का ये इतिहास आज सुनहरा हो गया और नीरज का नाम भी आज स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया गया और ओलंपिक के इतिहास में जैवलिन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक 2020 जब भी जिक्र होगा तो भारत का नाम और नीरज चोपड़ा का नाम अब हमेशा लिया जाएगा। भारत का एक बहुत बड़ा सपना इस ओलंपिक में गोल्ड की ख्वाहिश हर भारतीय को थी, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसे नीरज चोपड़ा ने आज पूरा कर दिया है। और एक शुरुआत से ही जब ये खेल शुरू हुआ 6 अटेम्प्ट दिए गए थे सभी खिलाड़ी को, तो पहले अटेम्प्ट में ही नीरज ने जो अपना भाला फेंका और वो उन्होंने जो सर्वश्रेष्ठ स्थापित किया 87.58 का, और उसके बाद जो है वो उसको किसी भी खिलाड़ी ने उससे आगे वो अपना भाला फेंक नहीं पाए, उनके रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए कोई खिलाड़ी और फाइनल राउंड तक स्टेज में नीरज का जो थ्रो था वो फाउल भी हुआ था, चौथा उनका थ्रो फाउल हुआ और लेकिन इस फाउल के बावजूद कोई अन्य खिलाड़ी उनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया और भारत ने आज गोल्ड हासिल कर लिया है टोक्यो ओलंपिक में।
और एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को बधाई शुभकामनाएं, जुड़े रहे लाइव लगातार के साथ ओलंपिक की ताजा अपडेट्स के साथ, हम एक बार फिर मिलेंगे, नमस्कार।